हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PWT में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और सबसे पहले लाइफ क्या होता है, और लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज है लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 2। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स। न्यूट्रिशन क्या है? बॉडी के सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना, फूड प्रोवाइड कराना, ताकि वो एनर्जी बना सके, इसलिए हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों? न्यूट्रिशन है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना बॉडी के सेल्स को, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि हम, जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए प्लांट है या फिर एनिमल है, कोई एनिमल है, वो फूड लेता है। वो फूड क्यों लेता है? ताकि वो एनर्जी बना सके ना। इसी प्रोसेस को, यही जो इनटेक ऑफ फूड है, इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और जो हम फूड लेते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बच्चों, हमेशा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क होता है। तो प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है, और जो हम इंटेक करते हैं एज अ फूड मटेरियल उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या फिर उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसे हम लेस अमाउंट्स में हमारा बॉडी की जरूरत हो, हमारे बॉडी को उसको लेस अमाउंट में जरूरत हो, जैसे विटामिन्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गया, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इसलिए हमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी थोड़ा सा आपको क्लियर करा दिया। आगे है दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन है, जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड, ये किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है, इसका तरीका क्या है। तो देखिए, जो पहला तरीका है जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो है प्लांट्स के अंदर, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं हम लोग। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटोस का मतलब सेल्फ, एंड ट्रॉफ का मतलब फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड, हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पकाना और बनाने में अंतर होता है, सिंथेसिस और कुकिंग में अलग अंतर होता है। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि खाना तो हम भी बनाते हैं ना, लेकिन बच्चों हम लोग खाना पकाते हैं, वो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में रहता है न्यूट्रिएंट्स, उसे हम केवल कुक करके अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन उसे कहेंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है दोस्तों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोस का मतलब हो गया अदर, एंड ट्रॉफ्स का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे कहते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, दो प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए। अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया वो हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटो ट्रॉफ, एंड दूसरा जो हो गया दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटो ट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। बच्चों जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, ठीक है, देयर फूड। और जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं बच्चों, वो कीमो ऑटो, कीमो का मतलब हो गया केमिकल, ठीक है, केमिकल, केमिकल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स, ठीक है दोस्तों। इस फोटो ऑटोट्रॉप्स में हमें सबको पता है क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे, प्लांट्स एल्गी, एल्गी, ठीक है, प्लांट्स एंड एल्गी किस में आ जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स में। दोस्तों जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर।